हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का 18 अगस्त का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 अगस्त के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर यानी नियत तापी प्राणी जो है ये कौन से होते हैं। तो देखिए, नियत तापी प्राणी की बात कर ले तो ये एक ऐसे जातियों को कहा जाता है जिनके रक्त का जो टेम्परेचर है ना, वो अन्य शीत रक्तीय जानवरों की तुलना में जो वो सबसे अधिक होता है। और प्राणी जगत में ये लक्षण जो है आपके पक्षी और स्तनधारियों में जो वो पाए जाते हैं। तो नियत तापी प्राणी कौन से होते हैं, तो ये आपके पक्षी और स्तनधारी होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हेन वाज द लोक जनशक्ति पार्टी फॉर्म्ड, यानी लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन है ना ये आपका 28 नवंबर 2020 को जो वो हुआ था। तो ऑप्शन बी 2020 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से किस राज्य में जो है अन्न बैंक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभा रहा है। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये महाराष्ट्र राज्य जो वो निभा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जब प्रति व्यक्ति आय की डॉलरों में इस प्रकार की परिगणना की जाती है कि वस्तु और सेवाओं के रूप में एक डॉलर की क्रय शक्ति हर देश में जो वो समान रहती है, तब उसे जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए, तब इसे जो है ये आपका GNP प्रति व्यक्ति यानी 2011 PPP डॉलर जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंग्लिश से आया था। चूज़ द एडवर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी चार ऑप्शन आपका दिया गया था जिसमें आपको एडवर्ब जो है वो चुनना था। तो देखिए, इसमें जो आपका एडवर्ब है ना वो आपका ब्यूटी है, तो ब्यूटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन इन ऑप्शन, यहाँ पर जो आपको करेक्ट जो है वर्ब जो है वो चुनना है। तो देखिए, ही फिल इन द ब्लैंक्स अंडर दैट पाइपल ट्री, तो देखिए ही लैन अंडर दैट पाइपल ट्रीज, ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ये तो सेम क्वेश्चन है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम के जो अवशेष है ना ये कहाँ पर जो वो पाए गए हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम के जो अवशेष है ना ये धौलावीरा में जो वो पाया गया है। तो 89 का ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एक वृक्ष की हत्या कविता ये जो है किस कवि द्वारा जो वो लिखी गई है। तो देखिए, एक वृक्ष की हत्या ये जो कविता है ना ये कुंवर नारायण के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सलाघा का विलोम शब्द जो वो पूछा गया था। तो देखिए, सलाघा का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका निंदा होता है। तो ऑप्शन सी निंदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पत्नी दुख का साथी है इस वाक्य में जो है किस प्रकार की अशुद्धि है ये जो आपको बताना था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस शब्द में जो है अति उपसर्ग है। तो देखिए, इसमें आपका अति उपसर्ग किस में है, तो ये आपका अत्याचार में है। तो ऑप्शन बी अत्याचार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंत्योदय कार्ड का जो प्रयोग है ना ये किसके द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए, अंत्योदय कार्ड का जो प्रयोग है ना ये आपके गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्ति के लिए जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर मेरे में ये प्रश्न नहीं आया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में आया था। तो ये आपका अररिया और पूर्णिया जिले में जो है ये प्रश्न जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो वो पूछा गया था। तो अररिया और पूर्णिया से जो भी एग्जाम दिए थे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हाँ ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट आपका एक मैथ से क्वेश्चन आया था कि नीता की व्यय और बचत का अनुपात 3:1 दिया हुआ था और इसमें जो बचत का प्रतिशत पूछा गया था। तो 20% ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर मैथ से प्रश्न आया था, लेकिन ये मैथ्स का जो है पूरा प्रश्न जो है मुझे नहीं मिल पाया है। ये पूरा प्रश्न आपको याद है तो आप कमेंट करके जो है वो पूरा प्रश्न जो आप जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मूर के नियम का जो प्रत्यक्ष रूप है ना इसका जो संबंध है ये किससे है। तो देखिए, मूर के नियम का जो प्रत्यक्ष रूप है ये आपका कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि पराक्रम दिवस पूछा गया था। तो देखिए पराक्रम दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो देखिए पराक्रम दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 23 जनवरी को जो वो मनाया जाता है, और किसको चिन्हित करने के लिए, तो ये सुभाष चंद्र बोस को जो है वो चिन्हित करने के लिए जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रोहन बोपन्ना, ये जो आपके किस खेल से संबंधित है, तो देखिए रोहन बोपन्ना की बात कर ले तो ये आपके लॉन टेनिस से जो है वो संबंधित है, तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टेनिस में आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका लॉन टेनिस होता है और एक आपका जो है वो टेबल टेनिस होता है, तो ये आपके लॉन टेनिस से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खसखस घास के जो मैदान है ना ये किस राज्य में पाया जाता है, तो देखिए खसखस घास के जो मैदान है ना ये राजस्थान राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विष्णुपद जो मंदिर है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए विष्णुपद मंदिर की बात कर ले तो ये आपका गया में स्थित है, और किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका फल्गु नदी के तट पर स्थित है, तो गया आपका करेक्ट आंसर होगा। डीआरडीओ की स्थापना पूछा गया था, तो देखिए डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 1958 में किया गया था, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन में आपका एक अमावस्या दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका अमावस्या जो टर्म है ना ये आपका स्त्रीलिंग है, तो अमावस्या आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो देखिए गाल बजाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो आपका डिंग हाँकना होता है, तो डिंग हाँकना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोथल ये जो है गुजरात में कहाँ पर स्थित है, तो देखिए लोथल की बात कर ले तो ये आपका गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, तो अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो देखिए ये जो आपका लोथल है ना ये आपका सबसे पुराना बंदरगाह है, और ये जो आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और लोथल की जो खोज है ना ये 1954 में S.R. रॉय के द्वारा जो है इसकी खोज जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राज्य परिषद किस अनुच्छेद में है, तो देखिए अंतर्राज्य परिषद का जो प्रावधान है ना ये आपका अनुच्छेद 263 में है, तो अनुच्छेद 263 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला जो है नदी के किनारे नहीं बसा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपको बता दूँ सासाराम दिया गया था, उसके अलावा आपका भागलपुर दिया गया था, इसके अलावा आपका पटना और छपरा जो है वो दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि पटना भागलपुर छपरा ये तो आपके नदी के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन ये जो आपका सासाराम है ना ये नदी के किनारे जो वो नहीं बसा हुआ है, तो सासाराम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वर्तमान में बिहार में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो देखिए वर्तमान की बात कर ले तो ये जो आपका 18वीं विधानसभा का सत्र जो वो चल रहा है, तो 18वीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में, तो ये आपका 243 है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये जो है किस वर्ष में पारित किया गया था, तो देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका वर्ष 1986 में पारित किया गया था, तो वर्ष 1986 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फंगस यानी कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ना ये किस यौगिक से जो वो बनाया जाता है, तो देखिए कवक की कोशिका भित्ति को जो है ये आपका काइटिन नामक यौगिक से जो वो बनाया जाता है, तो काइटिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन का मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान करता है, तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 21 है ना ये जीवन का मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है ये कौन थे, तो देखिए संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें आपका अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो वो चुना गया था, और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो वो चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोन परियोजना का जो निर्माण है ना ये कब किया गया था, तो देखिए सोन परियोजना का जो निर्माण है ना ये आपका वर्ष 1874 में किया गया था, तो 1874 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो देखिए ये जो आपका शक्ति सैन्य अभ्यास है ना ये फ्रांस और भारत के मध्य जो वो आयोजित किया जाता है, तो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में कितने राज्यों में जो है आपका विधान परिषद की व्यवस्था है, तो देखिए वर्तमान में आपके 6 राज्यों में जो है विधान परिषद की व्यवस्था है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना उत्तर प्रदेश
बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 राज्यों में जो है विधान परिषद की व्यवस्था है, तो 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा गया था, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना, ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था, तो 1106 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है ना, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका नागपुर में आयोजित किया गया था, तो नागपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अयोध्या ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए अयोध्या जो है ये आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू आपका करेक्ट आंसर होगा। पादप और जीव जंतु मिलकर ये जो है किसका निर्माण करते हैं, तो देखिए पादप और जीव जंतु मिलकर जो है ये जैव मंडल का निर्माण करते हैं, तो जैव मंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। उपचयन अभिक्रिया में ये जो है क्या होता है, तो देखिए उपचयन अभिक्रिया में जो है ये ऑक्सीजन की जो वो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का जो वो ह्रास होता है, तो ऑप्शन में आपका ऑक्सीजन की वृद्धि दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से खेल का जो है मैदान का साक्ष्य मिला है, तो ये आपका धौलावीरा से मिला है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जल संरक्षण का तकनीक भी जो है ना, ये आपका धौलावीरा से ही मिला है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कुशेश्वर स्थान जो पक्षी अभयारण्य है ना, ये बिहार में कहाँ पर स्थित है, तो देखिए कुशेश्वर जो पक्षी अभयारण्य है ये आपका दरभंगा जिले में स्थित है, तो दरभंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वंदे मातरम जो गीत है ना, इसके लेखक कौन है, तो देखिए वंदे मातरम गीत के लेखक जो है ये आपके वंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो वकीम चंद्र चटर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कब्रिस्तान R37 ये जो है कहाँ से मिला है, तो देखिए ये जो आपका R37 है ना, ये हड़प्पा से मिला है, तो हड़प्पा आपका करेक्ट आंसर होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है, तो ये आपके खारवेल से जो वो संबंधित है, तो खारवेल आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार कोकिला ये जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए बिहार कोकिला जो है ये शारदा देवी को या फिर विंध्यवासिनी देवी को जो वो कहा जाता है, तो शारदा देवी या विंध्यवासिनी देवी, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है ये किसे देते हैं, तो ये अपने उपराष्ट्रपति को जो वो देते हैं, और किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 56 के क्लोज 1 के जो है ए के तहत जो वो देते हैं, तो उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। मुझे पहचानो ये जो उपन्यास है ये किसने लिखा है, तो ये आपके संजीव के द्वारा जो वो लिखा गया था। विटामिन की खोज ये जो है किसने किया था, तो देखिए विटामिन की जो खोज है ना, ये 1912 में कैसिमीर फंक के द्वारा जो वो किया गया था, तो फंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि अनुच्छेद 112 ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि आपका केंद्रीय बजट से जो वो संबंधित है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण आपका करेक्ट आंसर होगा। टिहरी बांध ये जो है किस नदी पर स्थित है, तो देखिए टिहरी बांध की बात कर ले तो ये आपका भागीरथी और विलंगना नदी पर स्थित है, तो भागीरथी और विलंगना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पेट में कौन सा अम्ल जो वो मौजूद होता है, तो देखिए पेट में जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो वो मौजूद होता है, तो HCl आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 361 ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल के उनके कार्यकाल से जो वो संबंधित है, यानी अनुच्छेद 361 में आपका कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान जो है कानूनी कार्यवाही से जो ये आपका उन्मुक्ति जो वो प्रदान करता है, ये जो आपका अनुच्छेद 361 में जो वो कहा गया है। सोम प्रकाश पत्रिका का जो प्रकाशन है ना, ये किसने किया था, तो देखिए सोम प्रकाश पत्रिका का जो प्रकाशन है ना, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो वो किया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वायुयान या फिर आपका जो है विमान की जो ऊंचाई है ना, इसके मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए जो है ये आपका अल्टीमीटर का उपयोग जो वो किया जाता है, तो अल्टीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में कितने रामसर साइट हैं, तो देखिए वर्तमान में बिहार में जो आपके 3 रामसर साइट हैं और नौगा नफ्टी को भी जो हाल ही में जोड़ा गया था, तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिहार विधान परिषद की स्थापना जो ये कब हुआ था, तो देखिए बिहार विधान परिषद की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1912 में हुआ था और इसकी जो पहली बैठक है ना, ये आपका 1913 में आयोजित किया गया था, तो 1912 आपका करेक्ट आंसर होगा। वॉशिंग मशीन ये जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका अपकेंद्रीय बल पर जो वो कार्य करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संसद में बहुमत दल का जो नेता है ना, ये कौन होता है, तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को जो है वो मनाया जाता है।
इसके अलावा पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से नहीं गुजरता है? तो देखिए, ये जो आपका पूर्व पश्चिम गलियारा है ना, ये आपका बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, इन सभी जिलों से जो वो गुजरता है। तो इनमें से आपका तीन तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जो वो नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महिला की पतली जो आवाज़ है ना, ये क्यों होती है? तो देखिए, महिलाओं की जो ध्वनि का जो तारत्व होता है ना, ये अधिक होता है, इसलिए महिलाओं की जो आवाज़ होता है ना, ये पतली होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका प्रतिवर्ष 15 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो देखिए, किताब उल हिंद के जो लेखक है ना, ये अल बरूनी है, और अल बरूनी के द्वारा ये जो आपका अरबी भाषा में लिखा गया था, तो अल बरूनी आपका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत फ्यूज ये जो है किससे बना होता है? तो देखिए, विद्युत फ्यूज जो है ये मुख्यतः आपके शीशा और टीन का जो वो बना होता है, तो शीशा और टीन आपका करेक्ट आंसर होगा। पीएसएलवी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि नागी डैम ये जो है कहाँ पर है? तो देखिए, नागी डैम जो है ये आपका बिहार के जमुई जिले में स्थित है, तो जमुई आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे दिया गया था? तो ये जी शंकर कुरूप को जो वो दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यूआरएल का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए, यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका करेक्ट आंसर होगा। फोस का जो वो एफ फोस में एफ का जो मतलब पूछा गया था, तो देखिए, फोस का अगर आपको फुल फॉर्म पता होता क्या होता है, तो ये आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, तो एफ में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्री जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो देखिए, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या की बात कर ले, तो ये आपका 40 है, तो 40 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि महात्मा गांधी जी ने जो है पहली बार लंगोट जो वो कब धारण किया था? तो ये 1921 में जो वो धारण किए थे, और ये जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो है ये प्रश्न भी जो वो पूछा गया था। बेला डीला ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हेमेटाइट यानी लौह अयस्क के लिए जो वो प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि लाल कुर्ती या फिर लाल शर्ट इसका जो गठन है ये किसने किया था? तो देखिए, लाल कुर्ती या लाल शर्ट का जो गठन है ना, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो वो किया गया था, और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जो है ये आपका सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना परसेंट नदी का जो अपवाह क्षेत्र है? तो देखिए, ये जो आपका 77% जो है वो अपवाह क्षेत्र है, वहीं अगर अरब सागर की बात कर ले तो ये आपका 23% है, तो 77% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वायु ये जो है किसका मिश्रण है? तो देखिए, वायु जो है ये आपका गैस का मिश्रण है, जिसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्पीकरण ये सब जो है आ जाते हैं, तो गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार में हिमालय के शिवालिक श्रेणी के हिस्से को क्या कहे जाते हैं? तो ये आपके सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो वो कही जाती है, तो ऑप्शन 3 सोमेश्वर की पहाड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विष्णुपद मंदिर ये तो मैंने आपको बता दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिहार का शोक ये जो है किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपका कोसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिहार में सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन है ना ये कब लागू किया गया था? तो देखिए, बिहार में सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन है ना ये आपका 1968 में जो वो लागू किया गया था, तो ऑप्शन 1 1968 आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश ये जो है कब हुआ था? तो देखिए, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का जो श्री गणेश है ना ये आपका वर्ष 1954 ईस्वी में जो वो किया गया था, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, ये जो आपका बरौनी तेल शोधक संयंत्र है ना ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, तो ऑप्शन 2 बेगूसराय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बिहार का लिंगानुपात पूछा गया था, तो देखिए 918 जो ये आपका बिहार का लिंगानुपात रहा था, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपका 918 दिया गया होगा, तो 918 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर राजगीर पहाड़ी जो है ये किस जिला में स्थित है? तो ये आपका नालंदा जिले में स्थित है, तो नालंदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये कौन करता है, तो देखिए अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री को जो राष्ट्रपति के द्वारा जो वो नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो वो नियुक्त किया जाता है, तो आपका राष्ट्रपति जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 361 का तो मैंने आपको बता दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना ये जो कब हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया, वर्ष 2000 ईस्वी में जो इसकी स्थापना हुआ था। पाई जो है क्या है ये पूछा गया था, अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या है, तो देखिए पाई की बात कर ले तो ये जो आपका अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि ओम बिरला कहाँ के संसद थे, तो एग्जैक्ट थोड़ा प्रश्न मुझे मिल नहीं पाया है, तो देखिए ओम बिरला की बात कर ले तो ये आपके 18वीं और 17वीं लोकसभा के जो है इन्हें स्पीकर जो वो चुना गया था, और ये जो है कहाँ के संसद थे, तो देखिए ये जो आपके राजस्थान अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सुमन योजना ये जो है किससे संबंधित है, तो देखिए सुमन योजना की बात कर ले तो ये आपका गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, तो गर्भवती महिलाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सिलंबम जो मार्शल आर्ट है ना ये किस राज्य का है, तो देखिए सिलंबम की बात कर रहे तो एक आपका भारतीय मार्शल आर्ट है और इसकी जो उत्पत्ति है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य से हुआ है, तो ऑप्शन में अगर आपका तमिलनाडु दिया गया होगा तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि चीता ब्रीडिंग सेंटर ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में है, तो अगर आपका ऑप्शन में गुजरात दिया गया होगा तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक 1789 की क्रांति से आता यानी फ्रांस की क्रांति से आता, तो फ्रांस की क्रांति से एग्जैक्ट क्या प्रश्न आया था आप ये जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एबेकस से जो एक प्रश्न पूछा गया था, एबेकस से ये क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके बता दीजिए। और सब आप ये प्रश्न देख सकते हैं, मधुबनी के क्वेश्चन है, आप यहाँ पे सारा कुछ प्रश्न जो है वो देख सकते हैं जो कि बच्चों द्वारा ही जो मुझे मिले हैं। तो पूछा गया था कि 2002 में जो है कौन सा टेंपल को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, तो ये आपके विष्णुपदम को जो वो शामिल इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था, विष्णुपदम मंदिर, बोधगया टेंपल, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए आपका यहाँ पर एक ऑप्शन में आपका महाबोधि मंदिर के बारे में भी दिया गया होगा, तो देखिए ये जो आपका महाबोधि मंदिर है ना जो कि आपका एक बौद्ध मंदिर है और ये आपका बिहार के बोधगया में स्थित है और इसका जो निर्माण ये आपका सम्राट अशोक के द्वारा जो इसे बनवाया गया था और इसे वर्ष 2002 में जो है आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो वो शामिल किया गया था, तो महाबोधि मंदिर अगर दिया गया होगा तो महाबोधि मंदिर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच एसिड हेल्प इन डाइजेशन इज स्टोमिच, तो ये तो मैंने आपको बता दिया पेट में आपका कौन सा एसिड जो हेल्प करता है डाइजेशन करने में, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, तो HCl आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा पावर होता है, तो जुडिशरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। HDI का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए SDI का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, पुलिस जो ये किस लिस्ट में आता है, तो ये आपका पूछा गया था, तो कंकरेंट लिस्ट आपका जो ऑप्शन में दिया गया था, तो पुलिस जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में जो वो नहीं आता है, तो कंकरेंट लिस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक आया था कि सुंदरबन नेशनल पार्क ये जो कहाँ पर है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है, तो वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पांडुरंग महातम्य की रचना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए पांडुरंग महातम्य की जो रचना है ना ये आपके श्रीधर के द्वारा जो वो किया गया था, तो श्रीधर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोशिका का पावर हाउस यहाँ पे पावर ऑफ करेंसी बता दिए हैं, तो देखिए पावर ऑफ द सेल ये जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए कोशिका का जो ऊर्जा गृह है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो वो कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख ये जो है कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो आपके थल सेना प्रमुख है ना ये आपके उपेंद्र द्विवेदी हैं, तो उपेंद्र द्विवेदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नरगिस मोहम्मदी ये जो है किस देश के हैं, तो देखिए नरगिस मोहम्मदी की बात कर ले तो ये जो आपका ईरान के जो है एक पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और इन्हें जो है आपका 2023 में जो है वो शांति के लिए जो वो नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया था, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था कि क्योंकि ये आपका करंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए ईरान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2002 में बिहार के किस मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो मैंने आपको बता दिया महाबोधि मंदिर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सीतामढ़ी में किसकी प्रतिमा जो वो बनाई जाएगी, तो देखिए ये जो आपका सीतामढ़ी में जो है ये आपका माता सीता की जो है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा का निर्माण जो है ये आपका सीतामढ़ी जिले में जो वो किया जाएगा, तो माता सीता अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फ्रांस में चर्च के किसानों से जो है कौन सा टैक्स यानी कर जो वो लिया जाता था। तो देखिए फ्रांस में चर्च किसानों से जो कर वसूलते थे ना, इन करों को जो है ये आपका दस मांस, ये आप ध्यान में रखिएगा, दस मांस जो वो कहा जाता था, और ये जो किसानों की कृषि आय का जो है वो 10% होता था। तो दस मांस ऑप्शन में दिया गया होगा, तो दस मांस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया था कि 2024 में स्वामी दयानंद सरस्वती के कौन सी जन्मदिन जो है वो मनाया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती है ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे, और 2024 में जो है इनकी 200वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। तो 200वीं जयंती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि HNO3 का जो एटॉमिक वेट पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले आपको H का एटॉमिक मास पता होना चाहिए कितना होता है, तो H का जो 1U होता है। उसके अलावा अगर बात कर ले N का आपका कितना होता है एटॉमिक मास, तो देखिए N का जो आपका 14U होता है, यानी 14U जो है ये आपका नाइट्रोजन का होता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है ना वो आपका 16 होता है। तो इसी में आप जो है मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3 निकाल लेते हैं। तो देखिए मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3 क्या होगा, तो H का तो आपका 1 है, उसके बाद आपका 14 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का क्या होता है तो वो 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा तो 16 × 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 63U, जिन्होंने भी ऑप्शन 63U को लगाया है, तो 63U आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका H2CO3 में जो है सी का ऑक्सीडेशन पूछा गया था। तो देखिए H2CO3 में जो सी का ऑक्सीडेशन होगा ना वो आपका +4 होगा, तो +4 जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका ऑक्सीजन का जो इंक्रीजमेंट होता है, DPSP ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से जो वो लिए गए हैं, तो आयरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शक्ति किन दो देश के बीच होता है, तो ये आपका पूरा जो है फ्रांस के बीच, शायद फ्रांस और भारत के बारे में पूछा गया था, तो फ्रांस और भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है निम्नलिखित में से कौन जो वो नेपाल भाग गए थे। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ये आपका जो नाना साहिब थे ना ये जो वो नेपाल भाग गए थे। तो ऑप्शन में अगर आपका नाना साहिब दिया गया होगा तो नाना साहिब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये प्रश्न नहीं आया था, तो देख सकते आप बच्चों द्वारा ही जो ये सारे प्रश्न मुझे मिले हैं जो कि आपके बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी चैनल पे आपको इतना रियल एनालिसिस नहीं देखने को मिलेगा जो कि आपको मेरे चैनल से जो वो देखने को मिलता है। तो आप कभी भी एग्जाम देकर आते हैं तो आप जो है मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, आपको जो है बिल्कुल रियल एनालिसिस जो है वो देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।